सो गाइज अभी जो है ना मेरे साथ में है मैवरिक 440 और अपन देखने वाले हैं कि ये इसका जो गियर सिस्टम है वो कैसा है, लाइक गियर रेशियो कैसा है, गियर की रिफाइनमेंट कैसी है। गियर बॉक्स को अपन जो है टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कौन से गियर में जो है ये जीरो से उठ पाती है, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर में तो सारी बाइक्स उठ जाती है, तो अपन देखेंगे क्या ये फिफ्थ और सिक्स्थ गियर तक जो है जा पाएगी। तो सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे सेकेंड गियर से, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट गियर में तो उठती ही है सारी बाइक्स। तो यहाँ पर जो मैवरिक है ना ये फिलहाल इंडिया में जो है लॉन्च कर दी गई है, और इंडिया में क्या मतलब इंडिया में ही लॉन्च हुई है भाई सबसे पहले, बट हाँ हीरो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है इन फ्यूचर। तो फिलहाल जो है सेकंड गियर में डाल लेता हूँ यहाँ पे और देखते हैं कि कितने प्यार से उठती है। ये देखो प्यार से उठ गई है, लाइक कोई झटके नहीं लिए कुछ नहीं, मतलब आराम से ये बाइक जो है उठ चुकी है यहाँ पर। अभी मैं थर्ड गियर डालता हूँ, अभी देखना हल्की सी मेरे को रेस देनी पड़ी है तब जाके उठी है, लेकिन इसमें भी ये मस्त आराम से उठ चुकी है। अभी फोर्थ गियर में शिफ्ट करता हूँ, फोर्थ गियर में मेरे को लग रहा है झटके लगी है। ये देखो क्लच मैं जो है ना पूरी नहीं छोड़ रहा हूँ, यदि क्लच पूरी छोड़ दूंगा ना तो फिर ये ऐसे 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 झटके लेगी। तो वापस से मैंने थर्ड गियर डाल लिया एंड वापस से उठाते एक बार फोर्थ गियर में, क्योंकि अच्छे से हो नहीं पाया। तो ये देखो रेस ज़्यादा और क्लच को जो है ना 80% आप होल्ड करके रखो ये, तो अब जो है ना ये फोर्थ गियर में भी आराम से उठ चुकी है। अभी डालता हूँ मैं फिफ्थ गियर। तो गियर की जो रिफाइनमेंट है ना वो काफ़ी बढ़िया है इस बाइक में, इंजन भी काफ़ी रिफाइन है। अभी देखो फिफ्थ गियर में भी उठ गई है, लेकिन ये है कि आपको जो क्लच है ना अराउंड 30-40 के बाद छोड़नी पड़ेगी। हाँ प्रॉपर मैंने क्लच छोड़ दी तो ये आराम से जाएगी अब। तो इससे पता चलता है यार जो इंजन है ना वो कितना कैपेबल है। अभी वापस से डालते हैं अपन लास्ट एंड फाइनल सिक्स्थ गियर। ये देख लो सिक्स्थ गियर मैंने डाल दिया और अभी देखते हैं, अभी रेस तो पूरी देनी पड़ जाएगी मेरे को। ये देखो ओ भाई सब बंद हो गई, क्योंकि क्लच जो है ना मैंने जल्दी छोड़ दी थी। अभी देखते हैं दोबारा से क्लच, जो अब की बार मैंने अराउंड 60% या 65% ही जो है रिलीज़ की है, 30% के आसपास आपको होल्ड करके रखनी है। अभी जैसे ही ये 50 से ऊपर जाएगी तो आप ऐसे पूरी छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है बाइक है ना भाई, मतलब जो अपनी ट्रैम 400 से यदि मैं कंपेयर करूँ तो वैसे तो इसका जो मेन कंपटीशन है ट्रैम स्पीड 400 ही है, और हार्ले वगैरह से इसका आई थिंक कंपेरिजन सिर्फ इंजन वाइज बनता है, वरना भाई उसकी राइडिंग पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है, उसका राइडिंग बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है और इसका बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्पीड 400 से मैं इसको कंपेयर करूँगा यदि करना चाहूँगा तो अकॉर्डिंग टू स्पीड 400 भाई, स्पीड 400 का जो इंजन है वो भी काफ़ी रिफाइन है और इसका भी इंजन जो है ना वो काफ़ी रिफाइन है। बट इसमें कुछ सारे फीचर्स अपने को मिल जाते हैं, जैसे कि नेविगेशन वगैरह का फीचर अपने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से ये थोड़ी सी लाइक जो है अलग बनती है उस बाइक से, और उसी वजह से जो है मैं बोलना चाहूँगा भाई ये जो बाइक है कहीं ना कहीं बेस्ट अपने सेगमेंट में बनने वाली है। लेकिन एक डिटेल्ड जो है ना रिव्यू मैं इसका करने वाला हूँ, राइड रिव्यू, उसमें बताऊँगा भाई कितनी अलग है ये लाइक बाकी बाइक से, इसमें क्या खासियत है, क्या खामियाँ, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप लोग जो है राइड रिव्यू आने वाला है, तो वो आप लोग ज़रूर देखना। बाकी फिलहाल की वीडियो में जो है यही था, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।